नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। KVS 2023 के रिजल्ट का वेट कर रहे छात्रों के लिए अभी अभी आप सभी के लिए बोर्ड ने सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, आप सभी का वेट खत्म होता हुआ, जितने भी छात्र हमारे रिजल्ट और फाइनल आंसर के साथ साथ कट ऑफ का वेट कर रहे थे उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे भी KVS परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आए आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक अपडेट पहुंचा जाती रहे। KVS एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट बोर्ड जारी करता है, आधिकारिक अपडेट KVS HindiPro.in वेबसाइट पर सबसे पहले अपडेट की जाती है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। KVS 2023 के छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2023 के जो आप सभी की फाइनल आंसर की है, जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2023 के पहले पहले आप सभी की सभी परीक्षाएं, जितने भी पदों के आप सभी का KVS का एग्जाम हुआ, सभी की यहाँ पे आप लोगों की आंसर की 31 तारीख तक जारी हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट आती हुई, वहीं आपको बता दें आधिकारिक बयान आ चुका है अब तो यहाँ पे कि बोर्ड यहाँ पे आप सभी की वैकेंसियाँ जुलाई 2023 के पहले पहले लगभग ज्वाइनिंग करा देगा, यानी कि वैकेंसी काफ़ी जल्दी यहाँ पे आप सभी को कंप्लीट होती हुई दिखेगी, और साथ ही साथ इसकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है जून और जुलाई में संपन्न होने वाला है। काफ़ी बड़ी अपडेट आती हुई यहाँ पे KVS 2022-23 के छात्रों के लिए। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे 5 अप्रैल तक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इस बार जनरल OBC SC और ST की कट ऑफ की बात कर लें, जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर आपका नंबर जो है इसको 5 से लेकर 115 के बीच में आ रहा है तो आपका इस बार क्लियर हो जाएगा। OBC वालों की बात कर लें तो 100 से लेकर 105 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तब भी दोस्तों आपका एक अच्छा स्कोर सेफ स्कोर है। SC कैंडिडेटों की बात कर लें 95+, ST वालों की बात कर लें तो 90+ एक अच्छा और सेफ स्कोर बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ी अपडेट KVS 2023 के छात्रों का वेट खत्म होता हुआ, रिजल्ट आंसर की और आप सभी के कट ऑफ का, आगे जो भी अपडेट आएगी आप सभी तक पहुँचाई जाती रहेगी।